नमस्कार दोस्तों, वेल्थ का एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज आप बात करेंगे हम ELSS फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ELSS फंड्स के बारे में, जानेंगे ELSS फंड कौन से होते हैं, क्या इसका यूज़ आता है आपकी वेल्थ क्रिएशन में या आपकी वेल्थ में टैक्स सेविंग में। तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरू से लेकर एंड तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा ELSS फंड जो आपको लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो लाल बटन आ रहा है इसको ज़रूर दबा के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ELSS फंड होते कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ELSS यानी ELSS की बेसिकली फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो बेसिकली ये वो फंड हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी टैक्स सेविंग में। जी हाँ दोस्तों, ये फंड आपकी टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प करते हैं कि आपको आपकी जब सैलरी टैक्सेबल हो जाती है तो आप इस फंड को खरीद के अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स सेविंग में आखिर इसी फंड को क्यों खरीदा जाए जबकि अदर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है। तो मैं बात कर लेता हूं कि टैक्स सेविंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी टैक्स सेविंग के लिए। तो जैसे कि कुछ फेमस इंस्ट्रूमेंट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे FDRD हो गया। अगर आप 5 साल की FDRD कराते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C में। उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं जिसमें कि आपका NSC आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिनको हम बोलते हैं। ये आपको टैक्स सेविंग में इनका आप यूज़ कर सकते हो 80C में, जिनकी लिमिट 1.5 लाख है। उसके बाद आता है आपका PPF, GPF, आप इनको भी यूज़ करके आप अपने टैक्स में आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और चौथा जैसे कि मैंने बात किया आपको ELSS की, तो आप ELSS भी खरीद के आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये तीन और कंपेरिजन किया जाए ELSS यानी आपका FDRD, PPF और NSE से कंपेयर किया जाए ELSS को, तो बेसिकली होता क्या है कि ELSS फंड में आपको जो रिटर्न है ना वो आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये तीनों इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि FDRD में जो इन तीनों का अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 8.5-9% से ज़्यादा आपको मिल ही नहीं सकता किसी चीज़ में, लेकिन यहाँ पे आपको 15%, 18% और 20% तक आपको ELSS फंड में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना आप टैक्स बचा सकते हो या आप कितने मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो मैक्सिमम लिमिट सेम है कि 80C का जो आपका सेक्शन होता है जिसमें आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है, आप पूरी पूरी उसको ELSS के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप 50 का PPF ले सकते हो, 50 की FD कर सकते हो और 50 की आप ELSS भी बाय कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है। अब बात कर लेते हैं कि ELSS फंड ही हम क्यों इन्वेस्ट करें एज कम्पेयर टू इन सारे इंस्ट्रूमेंट को देख के। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो देश की जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 6% पे चलती रहती है। तो जब आपकी इन्फ्लेशन 6% पे चल रही है और अगर आपको 8% का या 8.5% का अगर आपको इंटरेस्ट मिल भी रहा है FDs में, RDs में या फिर GPF, PPF में भी, तो उसका आपको बेनिफिट कायदे से कितना मिल रहा है। अगर मैं 6% की महंगाई को हटा दूँ तो आपको कुछ नहीं, 1-2% का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बेनिफिट की जो वैल्यू होती है ना, लंबे समय में इसकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं। अगर आप मान लो PPF में पैसा आप डालते जाते हो, जब रिटायरमेंट की जाएगी तब क्या होगा कि उस टाइम महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपका जो पैसा, आपका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ होगा PPF में या GPF में, उसकी वैल्यूएशन उतनी रह नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं आज से 6-7 साल पहले की बात करूँ तो मोटरसाइकिल कितनी की आती थी, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार की आ जाती है। मतलब मेरे फादर ने जो पहली मोटरसाइकिल ली थी ना वो शायद 31-32 की ली थी, बजाज की, बजाज बॉक्सर करके आती थी। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज आप जानते हैं कि अगर मैं सबसे बेसिक बाइक की भी बात करूँगा तो शायद 48 या 45 की रेंज में आती है। तो वही चीज़ है, इतने सारे समय में उसकी जो प्राइस थी वो महंगाई बढ़ चुकी है तो उसका प्राइस भी बढ़ गया है। तो इसीलिए टाइम के साथ आपको अपने रिटर्न्स पे कल देखना पड़ेगा कि मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलने चाहिए ताकि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। तो ये तो ELSS फंड था। अब मैंने आपको बता दिया कि ये यूज़ किस में आता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि इसका बेसिकली जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनसे इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, उससे ये थोड़ा सा डिफर क्यों है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें
जो चीज़ होती है वो होती है लॉकिंग पीरियड। कि ईएलएसएस फंड में जो अदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आप आज पैसे डालिए और जैसे ही आपको यूनिट मिलती है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं, तो उसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। लेकिन ईएलएसएस फंड में आपका लॉकिंग पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये लॉकिंग पीरियड को अगर कंपेयर किया जाए एफडी आरडी और एनएससी से या जीपीएफ पीपीएफ से, तो बेसिकली क्या होता है एफडी में आपका 5 साल का होता है, एनएससी में आपका 8 साल का होता है, और आपके जीपीएफ पीपीएफ में तो आपका एज लॉन्ग एज 15 साल 20 साल ऐसा चलता रहता है कि 20 साल बाद की अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आप उसमें से 50% तक का पैसा निकाल सकते हैं या 80% तक का पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा आपको जब आप रिटायर होंगे तब आपको मिल जाएगा। तो ईएलएसएस फंड में आपको एडवांटेज क्या है, 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 साल का सिर्फ। यानी जो लोग अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं उनको रिटर्न से ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है तो वो ईएलएसएस में अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जहाँ पे उनको 3 साल बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और उसको आप अदर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको बाय कैसे किया जाए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान तो गए, समझ भी गए और यूज़ करना भी आ गया कि टैक्स सेविंग में यूज़ होता है। बाय कैसे किया जाए, तो पहला बाय करने का तरीका है कि आप खुद भी बाय कर सकते हैं। आप जाके मार्केट में, आपको लगता है कि मैं खुद इतना इंटेलिजेंट हूँ कि स्टॉक मार्केट को समझता हूँ और उसको जानता हूँ, अगर फंड गिरेगा तो मैं पेशेंसली होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को सारी नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट जाके खुद बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं या आप किसी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, आप ट्रेडिंग वगैरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी अपने ईएलएसएस फंड बाय कर सकते हैं। अब सपोज करिए दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से और कितनी हेल्प ले सकते हैं। आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको नेट वगैरह नहीं चलाना आता, नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करना नहीं आती है कि ऑनलाइन बाय कैसे किया जा सकता है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप मेरी हेल्प लेके भी बाय कर सकते हैं, तो इसमें आपकी बाय की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एएमसी का ऑफिस नियरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली जाके एएमसी से भी खरीद सकते हैं। तो ये 4 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं खरीदने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ईएलएसएस फंड आपने खरीद लिया, रख लिया और आपको मुनाफा भी मिल गया या आपकी टैक्स सेविंग भी हो गई। अब जान लेते हैं कि ईएलएसएस फंड क्या चीज़ देख के खरीदनी चाहिए हमें, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप वो चीज़ देख लो और खरीद लो। तो लो दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारे मार्केट में क्या चीज़ हो रही है आजकल, आजकल हमारे मतलब हमारे आसपास जो चीज़ हो रही है वो ये चीज़ हो रही है कि लोग रिटर्न के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। अरे इस फंड ने 80% का रिटर्न दिया था, मैं तो इसमें एसआईपी करूंगा। अरे इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया था, मैं तो इसमें एसआईपी करूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा बंदा है, अगर मैं बोलूँ कि इस फंड ने 20% नेगेटिव रिटर्न दिए थे, आप उसमें एसआईपी करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या चीज़ दिख रही है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है। स्टॉक मार्केट में जब आप आ रहे हो या म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो आप एक ही चीज़ देख रहे हो, वो है रिटर्न। तो कभी कभार होता क्या है कि ज़्यादा रिटर्न के लालच में हम कोई ऐसा फंड खरीद लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटाइल होता है, और जब मार्केट गिरता है और अगर मार्केट की पिटाई होती है तो वो फंड काफ़ी तेज़ी से गिर जाता है। तो आपको हमेशा ईएलएसएस फंड खरीदने से पहले कम से कम 5 साल का आप एवरेज रिटर्न देखिए, 5 साल का दोस्तों, हाँ 5 साल का। 1 साल का देखा, 2 साल का देखा या 3 साल का देखा तो आप के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके 3 साल भी लॉकिंग के चले जाएंगे और आपको कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा अगर आप 1 साल या 3 साल देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कम से कम 5 साल देखिए। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ ये चीज़ में, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 5 साल देख के ही खरीद लीजिए, उसके बाद आपके रिटर्न बन जाएंगे। बट मेजोरिटी ऐसी है कि मैक्सिमम जो अच्छे रिटर्न जिन लोगों ने कमाए हैं वो कम से कम 5 साल के लिए आप उस फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं कि 5 साल में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ आपको, इस मैंने 5 ही साल क्यों यूज़ किया, 3 क्यों नहीं किया या 1 क्यों नहीं किया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन कितनी है, 28 के पीई पे निफ्टी ट्रेड करता है। हालांकि निफ्टी में बहुत से लोग कहते हैं कि नए अच्छे स्टॉक आ गए इसलिए पीई निफ्टी का ज़्यादा ही ट्रेड करेगा, बट मैं मानता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी अपने 10 साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आपने इस साल पैसा लगाया, आपको तो 3 साल रखना है, आपकी तो ज़्यादा लंबा होराइजन है ही नहीं, 3 साल रखना है आपको, तो आपने क्या किया, ऐसा फंड देखा जिसने पिछले साल 40 या 50% के रिटर्न दिए थे ईएलएसएस में,
क्योंकि पिछले साल मार्केट चला था भाई, 16 चला, 17 चला, आपको 2 साल मार्केट कंटिन्यूसली चलता हुआ दिखाई दिया है, तो आपने 18 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने देखा लास्ट ईयर में इस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया था जो कि 40% का था, ठीक है। अब करेंटली मार्केट का पी 28 पे चल रहा है, तो आपने क्या किया, उस फंड को उठा लिया, 40% बढ़े हुए फंड को आपने उठा लिया, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तो इतनी इतनी जल्दी तैयार है ही नहीं कि ऊपर ये चला जाए। तो होगा क्या कि कोई भी न्यूज़ आएगी, बैड न्यूज़ आएगी, मार्केट में करेक्शन आएगा। छोटी सी भी न्यूज़ आएगी ना मार्केट में, तो मार्केट में तेज़ी से करेक्शन होगा। तो फिर क्या होगा, जो चीज़ आपने हाई पे खरीदी है ना, जैसे ही मार्केट करेक्ट होगा तो वो नीचे आना चालू हो जाएगी। अब मार्केट के करेक्शन की कंडीशन होती है कि मार्केट जब गिरना चालू होता है तो 1-2 साल तक गिरता भी है, कंसोलिडेट करता है, फिर जाके चलने को तैयार होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर फैक्टरिंग करके ही चलता है, मतलब जो चीज़ होने वाली होती है उसको फैक्टरिंग करके ही चलता है। अब जो चीज़ सडनली होती है उसको मार्केट के बारे में उसको नहीं पता होता। तो जब आपने जो चीज़ हाई पे खरीदी तो वो गिरेगी भी। अब आपके 3 साल है, अब मान लीजिए 1 साल 2018 ऐसे ही निकल गया, मार्केट कंसर्न आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। जो अगली साल आएगी 2019 में, उसमें मार्केट अगर थोड़ा बहुत चलता भी है तो आप सिर्फ अपना लॉस ही कवर कर पाओगे। और जब तीसरी साल आएगी ना मार्केट के चलने की, तब तक आप क्या कर लोगे, जैसे लॉकिंग हटेगा आप अपना पैसा निकाल लोगे। तो चौथी पांचवी साल जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपके रिटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आप मिस कर दोगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम 5 साल देख के, अगर आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, आप चाहे टैक्स सेविंग खरीद रहे हो, चाहे कोई सा भी खरीद रहे हो, आप कम से कम 5 साल देखिए उसके कि उसने 5 साल में क्या परफॉर्मेंस देखी। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख लीजिए कि किस टाइप की कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो फंड मैनेजर है वो किस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका क्या मोटिव है उन पर्टिकुलर कंपनियों को खरीदने के लिए, किस सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन ले रखी है, क्या टर्नओवर रेशियो है, क्या पीए स्टॉक का और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें देख के भी आप म्यूचुअल फंड में या ईएलएसएस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ईएलएसएस में इतना ही था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको लंबे समय में, मैं छोटी बात ही नहीं कर रहा, जो लोग लंबा रखना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भैया हमारे पास जो भी पैसा टैक्स सेविंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको लंबा डला रहने के, अपने रिटायरमेंट के लिए यूज़ करेंगे या फिर किसी और चीज़ों में घर वर खरीदने के लिए यूज़ करेंगे कुछ दिन बाद, 10 साल 15 साल बाद, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फंड है आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ 96 फंड। ये फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ईएलएस फंड को यूज़ करके अपनी टैक्स सेविंग को करना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा फंड है, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक, इसने अगर किसी ने 1 लाख रुपए लॉन्च में लगाए होते तो तब उसका डिविडेंड प्लान होता था, तो सारे डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद जो करेंट वैल्यू निकलती वो निकलती करीब करीब 1.5 करोड़ जो आज का है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस फंड ने मिड कैप तक को बीट किया हुआ है। ये है एक टैक्स सेविंग फंड बट इसने मिड कैप तक को बीट किया हुआ है। तो अगर आप अपना टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं पीपीएफ जीपीएफ से निकल के बाहर आना चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, मैं ज़्यादा पैसे कटाए जा रहा हूँ कटाए जा रहा हूँ कटाए जा रहा हूँ, तो आप ईएलएसएस में जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, जाइए कॉल करिए और समझिए कि ईएलएसएस फंड क्या होता है, क्या उसके रीज़न है। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तब की बात करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा आपके लिए हर दिन नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।